हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं फिजिक्स का। उसमें दो लेक्चर में करा चुका हूं आपको। पहले लेक्चर में मैंने बात की थी किरचॉफ्स लॉ की, केवीएल केसीएल, और सेकंड लॉ में मैंने बात की है व्हीटस्टोन ब्रिज की। व्हीटस्टोन ब्रिज आपको याद रखना होगा कि इसमें चार रजिस्टेंस लगाए थे, है ना, और चार रजिस्टेंस में से तीन नॉन थे, एक अननोन था। तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं विद हेल्प ऑफ नॉन रेजिस्टेंस। इसका जो प्रिंसिपल है वो है जीरो डिफ्लेक्शन मेथड। स्ट्रक्चर आपको याद होगी कि चार रेजिस्टेंसों को चार साइडों पर जोड़ दिया, एक डायगोनल पर बैटरी और की लगाई और दूसरे डायगोनल पर गैल्वेनोमीटर और की लगाया। वर्किंग कैसे कर रहा था? फर्स्ट ऑफ ऑल हम K1 को ऑन कर रहे थे। सर्किट में करंट कैसे हुआ था आपको याद है ना, I निकल के आया, ऊपर से I1 गया, नीचे से I-I1 गया, फिर जो भी आपको याद है। फिर मैंने कहा कि अब K2 को ऑन करते हैं और डिफ्लेक्शन जीरो होना ही चाहिए। अगर डिफ्लेक्शन जीरो है तो ही व्हीटस्टोन वर्क करता है, अदरवाइज व्हीटस्टोन वर्क नहीं करता है। ठीक है, जब वर्क का वो बैलेंसिंग कंडीशन आ गई थी तो मैंने फर्स्ट लूप में KVL लगाया, सेकंड में KVL लगाया और एक इक्वेशन जो आई है वो अच्छे से याद कर लेना, P/Q = R/S। फिर मैं लास्ट में एक सेंटेंस और बोला था कि व्हीटस्टोन कब सेंसिटिव होगा, ज़्यादा सेंसिटिव कब होगा। तो बच्चों, सेंसिटिव कब होगा? जब सभी रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के होंगे, एक जैसे होने चाहिए, बहुत बिग डिफरेंस ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको पिछला लेक्चर ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसी कॉम्बिनेशन में अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और जो आज की हेडिंग है वो भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मीटर ब्रिज। अब आपको नाम से लग रहा होगा कि सर कल आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया, आज आप मीटर ब्रिज पढ़ा रहे हो, तो कुछ कुछ व्हीटस्टोन जैसा ही होगा। बिल्कुल, काफ़ी हद तक व्हीटस्टोन जैसा ही है। अब पूरा ध्यान बोर्ड पर, कॉपी बंद कर दीजिए और ढंग से समझ लेना अच्छे से। सबसे पहले बात करें सर मीटर ब्रिज का यूज क्या है, उसी कॉम्बिनेशन में पढ़ाऊंगा जैसे मैंने आपको कल पढ़ाया था। अगर कोई आपसे ये पूछे कि व्हीटस्टोन का यूज क्या है तो आप कहोगे टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस विद हेल्प ऑफ नॉन रेजिस्टेंस। चार रेजिस्टेंस थे, तीन नॉन थे, चौथा अननोन था, अननोन की वैल्यू निकालते हैं। यहां भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली जाती है, कुछ कुछ नॉन रेजिस्टेंस से ही। पर ऐसा सेंटेंस आपको नहीं बोलना है, आपको आज केवल इतना बोलना है कि टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस सबसे पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि मीटर ब्रिज का यूज क्या है, मीटर ब्रिज क्या काम आता है। तो आप कहोगे मीटर ब्रिज की हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका प्रिंसिपल क्या है। कल आपको व्हीटस्टोन ब्रिज याद है, उसके प्रिंसिपल में बताया मैंने जीरो डिफ्लेक्शन मेथड, जीरो डिफ्लेक्शन मेथड। एक्चुअल में इसका भी जीरो डिफ्लेक्शन है, पर जीरो डिफ्लेक्शन ना बोलकर आपको बोलना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज पर, किस पर वेस्ड है ये, व्हीटस्टोन ब्रिज पर। तो प्रिंसिपल रखेंगे इट वेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब ये किस पर वर्क करेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। आपको देखना बच्चों, बिल्कुल मीटर ब्रिज में मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की शक्ल दिखा दूंगा, है ना। तो दो पॉइंट समझ में आ गए ना आपको, पहला पॉइंट क्या है, इसका यूज क्या है। तो आप कहोगे टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस, सेकंड प्रिंसिपल क्या है, तो आप कहोगे कि किस पर वेस्ड है, व्हीटस्टोन पर। और बच्चों व्हीटस्टोन किस पर वेस्ड है, जीरो डिफ्लेक्शन पर। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बनेंगे इसमें से। अब बात करूं अगर मैं स्ट्रक्चर की, चलो स्ट्रक्चर छोड़ते हैं, कि इसको मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं, वाय क्या रीजन है इसका। एक बहुत अच्छा आंसर आता है कि क्या रीजन है सर कि हम इसको मीटर ब्रिज के नाम से जानते हैं। कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर मीटर ब्रिज के बारे में सबसे कॉमन क्वेश्चन बनता है तो यह बनता है कि आप इसको मीटर ब्रिज क्यों कहते हो। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक वायर काम में लेंगे, एक तार काम में लिया जाएगा, अलॉय का। किसका बना होगा वो तार, अलॉय का। क्यों बना होगा, उसका जवाब दूंगा मैं आपको। तो हम एक वायर लेंगे, उस वायर की जो लेंथ है वो 1 मीटर होगी, वायर की लेंथ कितनी होगी 1 मीटर, और इस लेंथ का 1 मीटर होने के कारण ही आप इसको मीटर ब्रिज के नाम से जानते हो।
मेरी बात समझना आप। पहला क्वेश्चन था यूज क्या है, अननोन रेजिस्टेंस निकालेगा, किस पर बेच रहे, बीट स्टोन ब्रिज पर बेच रहे, आप इसको मीटर ब्रिज को इस नाम से क्यों जानते हो, तो इसका आंसर होगा, अपने हिसाब से क्वेश्चन बना लेना, इसका आंसर होगा ड्यू टू लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर। जो वायर लगा हुआ है मीटर ब्रिज में, जो वायर लगा हुआ है उस वायर की लेंथ 1 मीटर होने के कारण, अभी दिखाऊंगा सारी चीजें, आप जितना मैं बोल रहा हूं उतना सिर्फ नोट करते जाएं, कि अभी समझ रहे हैं, पर नोट एक साथ कर लेना है ना, कि जो इसमें वायर काम में लिया जाएगा मीटर ब्रिज में, आप जो वायर काम में लोगे उस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर, इसलिए इसको मीटर ब्रिज कहते हैं, इसको मीटर ब्रिज के नाम से जाना जाता है। तीसरी बात, कि जो मीटर है वो किसका बना हुआ है, सॉरी जो वायर है वो किसका बना हुआ है, वायर के बारे में 2-3 बातें आपको याद रखनी है, छोटे मोटे क्वेश्चन है। एक तो वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर। जो मीटर ब्रिज है उसमें जो वायर है उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। वायर बच्चों किसका बना हुआ है, तो याद रखेंगे अलॉय, और अलॉय कौन सी पता है, मैग्निन, यूरेका, कॉन्स्टेंटन वगैरह का है, और नाम बुक में से देख लेना है ना, स्पेलिंग वगैरह हो सकता है। तो लेंथ कितनी है, 1 मीटर, किसका बना हुआ है, अलॉय का, कौन सी अलॉय का, मैग्निन यूरेका का। अब सवाल आता है कि सर ये जो वायर बनाया है अलॉय का क्यों बनाया है आपने, क्या हम इसको सिंपल, क्योंकि अलॉय तो आपने पहले बनाई होगी फिर वायर लिया होगा, सिंपल मेटल का वायर नहीं ले सकते क्या, नहीं ले सकते बच्चों, क्यों आप सुनना, देखो आपके पास 2 ऑप्शन है वायर लेने के, हो सकता है कि आप मेटल काम में ले लो या आप अलॉय काम में लो, दोनों में डिफरेंस किस चीज का है सुनना, जो मेटल है मेटल उसकी रेजिस्टिविटी होती है लो, अब रेजिस्टिविटी लो है तो रेजिस्टेंस भी लो ही होगा, फॉर एग्जाम्पल से आप इसकी वैल्यू मान लीजिए 1 ओम, मान लो चलो कितनी मान लो 1 ओम, अलॉय की रेजिस्टिविटी होती है हाई मतलब ज्यादा, और ज्यादा है आप इसकी वैल्यू मान लो 100 ओम। मैं ये वैल्यूज सिर्फ एग्जाम्पल की दृष्टि से ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। बायर के 2 ऑप्शन थे मेरे पास कि या तो मैं मेटल का ले लूं या मैं अलॉय का ले लूं, अगर मैंने मेटल लिया होता तो मेटल की लो रेजिस्टिविटी की वजह से रेजिस्टेंस लो रहेगा, फॉर एग्जाम्पल्स कितना मान लिया 1 ओम, और बात करें अगर हम अलॉय की तो अलॉय में रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से रेजिस्टेंस हाई होगा, कितना मान लिया 100 ओम। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा अब बच्चों जब वायर में करंट वगैरह फ्लो होगा तो वायर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है कि अगर वायर में हम करंट फ्लो करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज। अच्छा एक एक बात और भले ही आप याद रख लो, रेजिस्टेंस तो लो है पर टेम्परेचर कोफिशिएंट हाई है, याद आया ना, वो एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने R2 इज इक्वल टू R1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा, वो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट एक तरीके से ना, और यहां बच्चों रेजिस्टेंस हाई है और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कैसा है लो, पूरा आंसर देना है। तो इसका एग्जाम्पल कितना मान लिया बच्चों हमने 1 ओम, इसका कितना मान लिया 100 ओम। अब आप सोचिए जरा, जब करंट फ्लो हुआ तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, मेटल का भी बढ़ेगा अलॉय का भी बढ़ेगा। आप जब करंट फ्लो करेंगे ड्यू टू करंट फ्लो टेम्परेचर इंक्रीज एंड रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज। अब मान लीजिए कि रेजिस्टेंस 1 ओम बढ़ जाता है, 1 ओम बढ़ जाता है, तो बच्चों जो ये 1 ओम था ये 1 ओम से 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 2 ओम, और यहां 100 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 101 ओम। अब आप सोचिए बच्चों कि किसी बच्चे के पास में 1 रुपया है, कोई छोटा बच्चा है बिल्कुल मुन्ना एकदम, उसके पास 1 रुपया है, उसको 1 रुपया और मिल जाए तो बच्चों उसकी तो लाइफ सेट हो गई, अरे जस्ट डबल हो गया भाई। आप 1 के रेस्पेक्ट जो बढ़ोतरी हुई है 1, क्या उसको नेगलेक्ट कर सकते हो क्या, जिस बच्चे के पास में 1 रुपया है
और उसको सड़क पर 1 रुपया पड़ा हुआ और मिल जाए तो उठाएगा, नहीं उठाएगा, भक्के उठाएगा। पर अगर किसी के पास में 100 रुपये हैं और उसे अगर 1 रुपया मिलता है तो उस पर कोई खास फर्क तो पड़ेगा पर खास फर्क नहीं पड़ेगा। इस कंडीशन में तो आप रजिस्ट्रेंस में जो इंक्रीमेंट आ रहा है उसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते, पर बच्चों यहां नेगलेक्ट किया जा सकता है। सोचो आप जब एग्जाम्पल करने बैठे, क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया तो उसका बायर का 100 ओम था और कुछ देर बाद 101 ओम हो गया तो रीडिंग गलत तो आएगी पर कम गलत आएगी, पर अगर 1 ओम से 2 ओम हो जाता तो बहुत फर्क पड़ जाता। मेरी बातों को अगर आप कंप्रेस कर पाए हो तो मैं इसका एग्जैक्ट आंसर लिखता हूं, बच्चों सुनिएगा। सबसे पहली बात तो जो बायर है वो 1 मीटर लेंथ का है, बायर किसका है, अलॉय का। किसका है, अलॉय का। कौन सी अलॉय का है बच्चों, मैग्नीन यूरेका कॉन्स्टेंटन का। क्यों, वाय सबसे इंपॉर्टेंट आंसर, तो क्योंकि जो अलॉय है इसकी रेजिस्टिविटी हाई एंड रेजिस्टेंस टेम्परेचर कॉन्स्टेंट लो होता है। ये आपको स्टैंडर्ड आंसर। कभी कभी पूछ सकता है कि क्या मीटर ब्रिज में कॉपर वायर काम में ले सकता हूं, तो आंसर होगा नहीं, मेटल है ना, क्यों नहीं ले सकते, इसका उल्टा आंसर दे देना, क्योंकि कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी लो और कोफिशिएंट हाई होता है। मेरी बातों का समझ पाए तो एक बार आप जल्दी से यहां तक नोट कर लें, समझ जाओगे ना। पैसे यूज टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज। क्यों बोलते हैं इसको मीटर ब्रिज, क्योंकि वायर 1 मीटर लेंथ का है, वायर किसका बना हुआ है, अलॉय का। कौन सी अलॉय, मैग्नीन यूरेका कॉन्स्टेंटन, और इनका ही क्यों बना हुआ है, क्योंकि अलॉय की रेजिस्टिविटी हाई और टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है। क्लियर है। अब बात करें बच्चों इसकी स्ट्रक्चर की, सुनिएगा ध्यान से, ये अपने प्रैक्टिकल में भी आएगा है ना। बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, देखिए मीटर ब्रिज बनाने के लिए एक लकड़ी का एक बुड़न टेप टाइप में होता है, लकड़ी का पट्टा होता है ना, अपने घरों में तख्ते वगैरह नहीं होते क्या, ऐसा कुछ, ये बोर्ड मान लीजिए वो है ना। इस पर 2 वायर होंगे, यह बना, इस वायर को नाम दे रहा हूं मैं ए, 2 पॉइंट होंगे सॉरी ए और बी, इनके बीच में 1 मीटर लेंथ का एक वायर लगा होगा, एक बोर्डन टेबल पर लकड़ी के पट्टे पर 2 पेच होते हैं ए और बी, इनके बीच में 1 मीटर लेंथ का अलॉय का, किसका, अलॉय का, मेटल क्या होगा इसका, अलॉय होगा, और लेंथ कितनी होगी 1 मीटर, एक वायर लगा दिया जाएगा, इसके नीचे स्केल भी लगा होगा, खैर क्या मुझे लेंथ देखनी पड़ेगी इसकी जगह जगह, तो बार बार नया स्केल ना लगाकर इसी पर फिक्स कर देते हैं, ये लो कुछ ऐसा, समझना ध्यान से बच्चों, कर लेना आप आराम से। तो इस पर ये लगा होगा, यहां पर कुछ इस टाइप की एल शेप 2 मेटल की स्लैब लगी होंगी, एक तो यहां मेटल की प्लेट है ये मान लो आप ना, अच्छा ये जो प्लेट है एक्चुअल में तो होनी चाहिए थी सिल्वर की, चांदी की होनी चाहिए थी, पर चूंकि चांदी तो बहुत महंगा आता है, फिर इसकी जो इंस्ट्रूमेंट की जो कॉस्ट है वो बहुत हैवी हो जाती, इसके बाद में कॉपर हो सकता है पर कॉपर भी महंगा आता है, तो एल्यूमिनियम सस्ता पड़ता है, इसलिए एल्यूमिनियम की होती है। इतनी जानकारी आपको नीचे, खैर आप तो अपने पॉइंट से याद रखो, 2 पेच हैं ए और बी, इनके बीच में 1 मीटर लंबा वायर लगा हुआ है, अलॉय का वायर है, बातें मैं आपको बोल चुका हूँ, स्केल लेंथ नापने के लिए। ए और बी पर मतलब दोनों टर्मिनल पर एल शेप है ना इनकी, 2 स्लैब लगी हुई हैं और एक यहाँ बीच में भी एक स्लैब लगी हुई है, इस पर 3 पेच है। मेरी बातें आप ध्यान समझें, बुक में बहुत अच्छा डायग्राम बना होगा आप वो देखना, मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसका ना। 2 पेच हैं ए और बी, इनके बीच में 1 मीटर लेंथ का अलॉय का एक वायर लगा हुआ है, लेंथ के लिए नीचे क्या लगा हुआ है स्केल, ए और बी पर एल शेप 2 स्लैब लगी हुई हैं, इन पर एक एक पेच है, मतलब कुछ जोड़ सकते हैं यहाँ, बीच में एक स्लैब और है, इस पर कितने हैं, 3। अब सुनना, जो वायर है इतना तो ये बना बनाया आता है, जब आपको मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो दिखाऊंगा, इतना तो ये लकड़ी का एक तख्ता टाइप में होगा और उस पर ये सब कुछ बना हुआ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, वायर में करंट फ्लो कराने के लिए हम जोड़ते हैं एक्सटर्नल, एक तो बैटरी और एक की जोड़ते हैं,
वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बैटरी जो होता है एक प्राइमरी सेल लगाया जाता है, लैगलांसी सेल, छोड़ो वो बात की बात है, एक बैटरी लगी होती है और एक यहां की लगी रहती है K1, ठीक है। जो दो गैप है इसमें, फर्स्ट गैप और सेकंड गैप, इस फर्स्ट गैप में रामबाबू, रामबाबू का मतलब है रजिस्ट्रेंस बॉक्स लगा होता है। रामबाबू तो मजाक में बोल दिया है। रजिस्ट्रेंस बॉक्स क्या होता है बच्चों, जैसे डस्टर है ना, ऐसी एक शेप होगी, उसमें बहुत सारी डॉट होंगी, डॉट मतलब फ्रंट व्यू दिखाऊं रजिस्ट्रेंस बॉक्स का, कुछ ऐसा होगा, इसमें बहुत सारी डॉट्स होंगी और इन डॉट्स पर वैल्यू लिख रही होगी, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5, 10 वगैरह 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 वगैरह। अब इसमें सब डॉट लगी हुई है अंदर, तब तो ये कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं है। आप इसमें से कुछ डॉट बाहर निकाल सकते हो, जैसे मान लीजिए आपने 1 ओम के सामने वाली डॉट बाहर निकाल ली, 1 ओम के सामने वाली डॉट आपने कहां निकाल ली, बाहर, इसका मतलब अब ये 1 ओम की तरह बिहेव करेगा, मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स बिहेव लाइक ए नॉन रेजिस्टेंस, और अच्छा कहूं तो रेजिस्टेंस बॉक्स बिहेव लाइक ए वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस, वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस। अगर किसी बच्चे ने एक लगाकर 2 बाहर निकाल ली तो अब ये कितने की तरह काम कर रहा है, 2 की तरह। पहली बात तो इसको वेरिएबल है, ये चेंज कर सकता हूं, और नॉन रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस बॉक्स इज नथिंग, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, दे आर वेरिएबल एंड नॉन। कोई बच्चा कहे सर ये कोड तो दोनों को बाहर निकाल ले, बिल्कुल, ये सीरीज में कनेक्ट है बच्चों। रजिस्टेंस बॉक्स में जो रजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं, दे आर कनेक्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन में होने की वजह से 1 और 2, 3 ओम की तरह बिहेव करेगा। 2-3 बातें रजिस्टेंस बॉक्स के बारे में साइड में अपना बेसिक बना के लिख लेना कि रजिस्टेंस बॉक्स इज नथिंग, इट इज ए वेरिएबल नॉन रजिस्टेंस, द रजिस्टेंस कनेक्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अपने हिसाब से लिखो तो उन्हें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, पूछ ले बाई चांस कोई। तो फर्स्ट बॉक्स में तो क्या लगा दिया मैंने, रजिस्टेंस बॉक्स, एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि वेरिएबल नॉन रजिस्टेंस है। पहली बात तो यहाँ से जो भी रजिस्टेंस रहेगा उसकी वैल्यू मुझे पता रहेगी, और दूसरी बात उसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। दूसरे गैप में मैंने लगाया है अननोन रजिस्टेंस, एस हमारा अननोन रजिस्टेंस है। मैंने कहा था इसका यूज क्या है, टू फाइंड आउट रजिस्टेंस, तो जिस रजिस्टेंस को मेजर्ड करना होता है उसे इस गैप में लगा देते हैं। अभी एक पेज और बच रहा है, ध्यान से देखो बच्चों, इसका कॉम्बिनेशन गैल्वेनोमीटर द्वारा देखो, इस तार को ओवरटेक करना है तो ओवरटेक तार को ऐसे करते हैं, पता हो तो आपको, ये होता है बच्चों जॉकी से। अब ये जॉकी क्या समस्या है, जॉकी एक की है, देखो की तो स्विच तो क्या होता है, अपने घरों में देखो आप सब जानते हो देसी हो, एक तो स्विच होता है, स्विच तो ऑन ऑफ करने का काम करता है, एक हम क्या होता है जब स्विच नहीं होता तो हम सिंपल तार भी लगा लेते हैं, कभी कभी हम चोरी की लाइट लगाते हैं, है ना, तो वो तार में आंकड़ बना लेते हैं ना, उसको कहीं भी टच कर सकते हैं, ऐसा ही एक सिस्टम होता है। खुला वायर है, हाथ में पकड़ रखा है चौक की तरह, यहां टच कर दिया तो सर्किट यहां से पूरा कर देगा, यहां टच कर दिया मतलब इस जॉकी को इस तार पर जगह जगह टच करवाया जा सकता है। बताओ ये कॉम्बिनेशन समझ में आया कि नहीं आया, स्ट्रक्चर बच्चों समझ में आनी ही चाहिए। मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूं, आप वापस एक बार और फोकस कीजिए, स्ट्रक्चर दोबारा देखिए। सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, एक लकड़ी का टैब टाइप में होगा, उस पर 2 पेज जिनके नाम हम दे रहे हैं वहां लिखा नहीं होता, ऐसा ए और बी मान लिया, इनके बीच में एक वायर लगा हुआ है, वायर किसका है, अलॉय का है, और कितनी लेंथ का है, 1 मीटर लेंथ का है। अलॉय का क्यों है इसका जवाब के पास होना चाहिए। इसके नीचे आपने लगा दिया 1 मीटर लंबा स्केल, इसके नीचे आपने क्या लगा दिया बच्चों, 1 मीटर लॉन्ग स्केल, क्योंकि हमें लेंथ देखनी, मैंने कहा था ना अभी कि हम जॉकी को इस तार पर कहीं भी सेट कर सकते हैं, तो हम जॉकी को पता है क्या करेंगे, हम जॉकी को ए से बी की ओर धीरे धीरे स्लाइड करेंगे, कब तक, जब तक कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 नहीं आ जाए। आपको पता है कि मीटर ब्रिज वर्क करता है बीट स्टोन ब्रिज पर, और बीट स्टोन ब्रिज कब वर्क करता है, जब बैलेंस कितना होता है, 0, तो वो तार इसलिए खुला रखा है मैंने, मैं जॉकी को जगह जगह टच करके देखूंगा
और जिस लेंथ पर डिफ्लेक्शन जीरो आ जाएगा उसको नाम दूंगा बैलेंसिंग लेंथ। तो जैसे मैंने यहां जीरो आ गया तो रीडिंग पढ़ लूंगा कितनी लेंथ आई है, इसलिए स्केल पहले लगा रखा है। क्लियर। ए और बी पर, इस पर ए और बी पर एल शेप की दो मेटल की स्लैब प्लेट लगी हुई है। कोई पूछे किसकी होनी चाहिए तो आपका जवाब होगा सर चांदी की हो, तांबे की हो, पर एल्यूमिनियम काम में लेते हैं सस्ता होने की वजह से। एक एक पेच, बीच में एक स्लैब और लग रही है, इस पर कितने पेच हैं, तीन पेच। फर्स्ट जो गैप है इसमें जुड़ेगा रामबाबू। अच्छा पहले ये जोड़ दो, करंट फ्लो करने के लिए आप एक तो बैटरी जोड़ दोगे और एक की कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। प्रथम गैप में क्या जोड़ देंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स। व्हाट इज रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स इज नथिंग, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब एक तरीके से वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, कौन, रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे गैप में आप क्या जोड़ दोगे, अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। और जो बीच वाला पेच है इसे आप गैल्वेनोमीटर से होते हुए जॉकी से कनेक्ट कर दो। कहानी समझ में आई, पहले वर्किंग लिखें और उसके बाद हम सॉरी पहले इसकी स्ट्रक्चर लिख लें फिर वर्किंग समझाएंगे। तो लिखिए मीटर ब्रिज एज सॉन एंड फिगर, नोट करें मीटर ब्रिज एज सॉन एंड फिगर, मीटर ब्रिज एज सॉन एंड फिगर, एज सॉन एंड फिगर, वन मीटर लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो वायर है वो बिल्कुल क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका हर जगह से इक्वल होना चाहिए भाई, वन मीटर लॉन्ग ए थिन, सिंपल एक्सर छोड़ो, वन मीटर लॉन्ग ए थिन वायर, वन मीटर लॉन्ग ए थिन वायर स्ट्रेच ऑन वुडन बोर्ड बिटवीन ए एंड बी, स्ट्रेच एट वुडन बोर्ड बिटवीन ए एंड बी। और लैंग्वेज भाई आप अपने मतलब जो रेफरेंस बुक है उसमें से देख सकते हो ना, ए एंड बी, ठीक है। आगे लिखो टू एल शेप स्लैब अटैच एट ए एंड बी, टू एल शेप स्लैब अटैच एट ए एंड बी, ए और बी पर एल शेप की दो स्लैब हैं, टू स्लैब ऑफ एल शेप अटैच एट ए एंड बी एंड अनदर स्लैब बिटवीन देम एंड अनदर स्लैब ऑल्सो बिटवीन देम, दो एल शेप की स्लैब हैं ए और बी पे लगी हुई हैं, उनके बीच में आप लैंग्वेज भाई अपने हिसाब से सेट कर लेना है ना, बीच में और लगी हुई है, ठीक है। नीचे लिखें टू फ्लो करंट बी कनेक्ट बैटरी एंड की, टू फ्लो करंट वी कनेक्ट बैटरी एंड की, टू फ्लो करंट वी कनेक्ट बैटरी एंड की, बैटरी एंड की। आगे लिखो इन फर्स्ट गैप ऑफ स्लैब, इन फर्स्ट गैप ऑफ स्लैब बी अटैच ए रेजिस्टेंस बॉक्स, इन फर्स्ट गैप ऑफ स्लैब बी अटैच ए रेजिस्टेंस बॉक्स, ए रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। एंड इन सेकेंड गैप कनेक्ट अननोन रेजिस्टेंस, एंड इन सेकेंड गैप, एंड इन सेकेंड गैप कनेक्ट ए रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, कनेक्ट ए अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है।
मिड पॉइंट ऑफ मिड स्लैब, जो बीच में स्लैब है इसका एक मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट ऑफ मिड स्लैब कनेक्ट टू जॉकी बाय गैल्वेनोमीटर, कनेक्ट टू जॉकी बाय गैल्वेनोमीटर। बाकी भाई नोट कर लेना है ना, वर्किंग इसकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एक बार रेफरेंस बुक में और देख लेना, लैंग्वेज थोड़ी ठीक बन जाएगी ना।